आजकल सभी जगह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ज़माना है, मतलब कि यूपीआई का ज़माना है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे लोग यूज़ करते हैं। छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्यूआर कोड या फिर यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं बिना बैंक डिटेल शेयर करे। लेकिन क्या आपको पता है, अभी भी काफ़ी सारे यूपीआई आईडी हैक हो रहे हैं। अगर आपके पास भी ऑलरेडी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम ने आपने ऑलरेडी कोई भी बैंक अकाउंट लिंक करवाए हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी यूपीआई आईडी हैक नहीं होगा, इसको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं करोगे तो आपका अकाउंट या फिर आपका यूपीआई आईडी कभी भी हैक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो कोई भी शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर जैसे आप पेमेंट देते हो, पेमेंट देते वक्त आप जैसे अपना यूपीआई पिन डालते हो, उस टाइम आपका यूपीआई पिन को कोई देखे ना, इस तरीके से आपको डालना हो। आप सरेआम डाल दोगे, उसके बाद किसी ने आपका फ़ोन को 5 मिनट क्या आपका 10 सेकंड के लिए भी ले जाएगा, तो हो सकता है आपका पैसा खाली हो सकता है। मतलब कि आपका ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है तो 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि 1 लाख कमाने के लिए भी आपको कितना मेहनत लगता है। सो इसीलिए जब भी आप यूपीआई पिन डालें, किसी को भी शेयर ना करें, ये बहुत ही रिस्की चीज़ होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं, जैसे कि आजकल तो काफ़ी सारे फ्रॉड हुए हैं बैंक अकाउंट में, एटीएम में तो ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन यूपीआई आईडी के मामले में ऐसा होता है, आपको कॉल आता है, इसके बाद वो बोलते हैं कि हम एक कंपनी से बोल रहे हैं, आपने यही नाम जीता है, आपको हम 10 हज़ार या फिर 20 हज़ार सेंड कर रहे हैं। इसके बाद आप बोलते हो अच्छा है, आप सेंड कर दीजिए। उसके बाद वो बोलते हैं आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम क्या इस्तेमाल करते हो? आप बोलते हो फ़ोन पे, या फिर जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसका नाम लेते हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या फिर पेटीएम, आपके पास जो भी है ओपन करिए। आप ओपन कर देते हो। उसके बाद वो बोलते हैं, थोड़ा सा आपको मतलब कन्फ्यूजन कर देते हैं, और आपको मोबाइल नंबर की जगह उसका यूपीआई आईडी डालने के लिए बोलते हैं, और डालने के बाद पिन मारिए और इतना नंबर मारिए जो रिमार्क्स जगह, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं। इसके बाद आप जैसे ही पिन मारते हो आपका पैसा चला जाता है। कुछ लोग को पता है, मतलब मोस्ट ऑफ द यूजर को पता है कि पिन मारने के बाद पैसा चला जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो कि नए नए यूपीआई आईडी इस्तेमाल करते हैं, और कोई कोई तो इस्तेमाल करते भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि पिन मारने के बाद पैसा जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पिन मारने के बाद पैसा आता भी है, तो आपको इस तरीके से वो कन्फ्यूज कर देते हैं कि आप मतलब कि आप रह नहीं सकते, वो 20 हज़ार के लालच में आप पिन मार ही दोगे। 20,000 बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे 2001 ये आपका कोड है बोलेंगे, अमाउंट की जगह ये मारिए ये कोड है बोलेंगे। तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले भी इसमें धोखा खा जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी बोलता है कि पैसा हम सेंड कर रहे हैं आपको, ये फ़ोन पे या फिर गूगल पे इस्तेमाल करिए और ओपन करिए बोलेंगे, तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है पैसा रिसीव करने के लिए। आपको तुरंत बोलना है कि रिसीव करना है मेरे को, तो आप तुरंत भेज दीजिए, मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन करते हो तो उसकी बातों में अगर आप झांसे में आ जाओगे तो आपका पैसा वैसे ही डूब जाएगा, आपका जितना भी अकाउंट में पड़ा होगा। तो ये दोनों कंडीशन में आपका पैसा चला जा सकता है, आपका आईडी हैक हो सकता है। सबसे पहला, आप किसी को अपना पिन शेयर मत कीजिए, और किसी का फ्रॉड लिंक पर क्लिक करके अपना पिन मत डालिए अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो। तो ये दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका यूपीआई आईडी कभी भी हैक नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए।